कुछ कुछ हुआ आपके साथ, पैर भी टूट गया। हाँ है पिक्चर, जो साला हाथ लगाए वही लंगड़ा हो जाए यार। काम करने की जगह कैसी चाहिए अनीस बद्दी को? सर एनीथिंग, मैंने तो फिल्में अक्सर लिखी हैं बस स्टॉप पे, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था। कितनी फिल्में मैंने लिखी होंगी? करीबन 50 फिल्में। मैं वो जो बस की टिकट होती थी उसके पीछे कुछ नहीं होता था, तो मैं उस पर पूरा सीन लिख सकता हूँ बस की टिकट पर, 4 पेज का सीन उस छोटी सी बस की टिकट पे, एक एक वर्ड, ये ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये एंड। मुझे लगता है सर कि फिल्म जो बनाते हैं उसका सेकेंड नाम ही कॉम्प्रोमाइज है। विदाउट कॉम्प्रोमाइज आई डोंट थिंक के फिल्म में कोई बनाते होंगे, बनती होगी ये। मतलब डायलॉग से नहीं लिखा था, बट जिस मासूमियत से संजय भैया ने बोला और जैसे राजपाल सबके रिएक्शन आए, तो मैंने बोला यार बहुत अच्छा है, ये यूज़ करना ही करना है। बहुत कुछ हुआ आपके साथ, पैर भी टूट गया। हाँ है पिक्चर, जो साला हाथ लगाए वही लंगड़ा हो जाए यार। अलका भी लंगड़ी सी हो गई थी। और एक्टर्स में बात चलता था, ये लंगड़ी है कि नहीं है? कल तो देखा था बाघ के समोसा, ये नकल तो नहीं कर रही है। ये चीजें, हाँ तो यही सपना आता, बहुत मजा आता है। हमारे जितने असिस्टेंट थे आपके, पता नहीं पहले आपकी एक भूल भुलैया में बच्ची थी, क्या नाम था उसका, असिस्टेंट बनी थी? हाँ जी, इसमें है तनुज, तनुज, अलका, बिलाल, मैं पटा के रखता हूँ सबको। बहुत बहुत मतलब इसमें जो है काफी लोग हैं। हाँ, और काफी वो सिगरेट ले आती थी मेरे चुरा के। सना, हाँ सना, हाँ पापा के पॉकेट से ले आया सिगरेट चुरा के, तो उसको भी पटा के रखा था। इस बार भी असिस्टेंट लोगों को पटा के रखता हूँ। परफॉर्मेंस जब हो रही होती है इनकी आंखों में तो दिख जाता है, उसके पहले फिल्टर इससे कर लेता हूँ, बिलाल क्या सोचता है, तनुज तू क्या सोचता है। नहीं, ये सारे जो लोग हैं, मतलब समटाइम फील होता है कि यार इतने इन्वॉल्व्ड हैं, बहुत अच्छी बात है। काम करने की जगह कैसी चाहिए अनीस बद्दी को? सर एनीथिंग, मैंने तो फिल्में अक्सर लिखी हैं बस स्टॉप पे, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था। कितनी फिल्में मैंने लिखी होंगी? करीबन 50 फिल्में। बताओ। तो मैं वो जो बस की टिकट होती थी उसके पीछे कुछ नहीं होता था, तो मैं उस पर पूरा सीन लिख सकता हूँ बस की टिकट पर, 4 पेज का सीन उस छोटी सी बस की टिकट पे, एक एक वर्ड, ये ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये एंड। उसके बाद जब मैं जहाँ के मुझे पेपर मिलता था तो फिर वो बस की टिकट सामने रखता था और फिर मैं डायलॉग लिखना शुरू करता था। वाह, मेरे को वो नहीं चाहिए कि भाई बहुत शांति हो, मूड हो, कुछ ग्रीनरी हो, पहाड़ हो, वो तो मजा आ जाए, नहीं है तो वो है, अच्छा मजा है, लेकिन उसके अंदर वो, लेकिन कुछ भी जगह हो, चीज लिखनी है और समझ आ रहा है, देन प्लेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, द एनवायरनमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आ जाता है, आ जाता है, बस लिखना है। सेट पे कितना झगड़ा, मतलब चिखना चिल्लाना होता है। अभी हम लोगों ने पिछली सीन में, पिछली पिक्चर में एक सीन किया था, तो क्या फिल्म थी अपने भूल भुलैया में, वो जो अपने अश्विनी जी जो है उसके बदले आया कि तब्बू जी खड़ी हुई है, और आप लोग ये सोचते हैं कि ये तो भाई भाभी है हमारी, बीवी है हमारी, अब वो भूत से जिस तरह बात कर रहे हैं, तो वो पूरा सीन 4 पेज का ऐसे हमने देखा, मैंने बात किया, मैंने बोला सर इसको साइड में करो, अच्छा नहीं है, चलिए संजय भाई कुछ बनाते हैं, एंड वो क्या बना, सीन बना। वो मतलब दाल रोटी की बातें चल रही है उसमें, और क्या क्या नहीं था, पागलपन, तो वो तब होता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे तो बहुत शोर था, बहुत शराबा था, लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन चल रहा था, बन रहा था। तो वो जो इम्प्रोवाइज होता है, वो तो कितना भी शोर हो, कुछ हो, समझ में आता है हाँ ये करना है। कितने साल हो गए फिल्म बनाते हुए? मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ मुझे। हाँ, मैंने तो कुछ साल गिनता ही नहीं हूँ मैं। हाँ, मुझे वो, लगता वो, है कि हाँ बरसों हो गए मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है अभी 1-2 साल हुए मुझे आए हुए, मेरा जो पहले दिन का जो था वो अभी सेम है। एंड मतलब मेरी पिक्चरें कुछ मैंने लिखी और बनाई, जो बनाई है एज अ डायरेक्टर भी उसको हो गए होंगे 25-30 साल, और जो लिखी है उसको तो और टाइम हो गया। तो आई स्टार्टेड आई थिंक इन 1987-88, और फिल्म लाइन में मैं जब राज साहब के साथ था, दैट वाज 76-77। अभी भी ग्रो कर रहे हैं आप? हाँ, अभी भी सीख रहा हूँ, और थोड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ये बहुत बड़ा गहरा समंदर है जिसे आर्ट कहते हैं, और मुझे लगता है आदमी जितना डूबना शुरू करता है और जितना ज़्यादा डूबता है, उससे तब लगता है कि नहीं यार बहुत अंदर अभी बचा हुआ है, बचा हुआ। तो बस मुझे लगता है वो एक भूख रहे कि भाई कुछ सीखना है, कुछ समझना है, एंड वो है अभी भी। आज भी पहले दिन की शूटिंग के टाइम पे मुझे बहुत टेंशन रहती है, बहुत टेंशन रहती है। मैं कई मरतबा अपने ऑफिस के बाहर जब टेरिस पे सारी मेरे जो पोस्टर्स लगे वैसे देखता हूँ, मुझे लगता है यार ये इतनी फिल्में बना दी और
ये कैसे बन गई यार, अब मैं क्या करूँगा। तो एक इनसिक्योरिटी आप बोलिए या एक वो डर, वो अभी वो डर ही तो बनाता है बहुत। हाँ, मुझे लगता है कि वो एक रिलैक्स हो जाता है आदमी, यार कर लेंगे कर लेंगे, मेरे जहन में कभी नहीं आता। मुझे लगता है कैसे करेंगे बाबा, ये बहुत मुश्किल है। हम लोग बड़े छोटे छोटे फिल्मों के लिए जाते हैं, मतलब मैं छोटे फिल्मों का एक्टर हूँ, जैसे वधवट्टा आँखों देखी, तो डायरेक्टर बोलता है यार बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आज आप हिंदी सिनेमा के सबसे बड़ी फिल्म से रिलेटेड कितना आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मुझे लगता है सर कि फिल्म जो बनाते हैं उसका सेकेंड नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है। विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ आई डोंट थिंक के फिल्में कोई बनाते होंगे, बनती होगी। किस तरह का कम, छोटी फिल्में जो हैं उनका अपना लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हमारे अलग लेवल के कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। बट आपको बताऊं कि जो एक्शन होता है एज ए मेकर, वो एकदम सेटिस्फाइड कि हाँ यही सब है, ये बहुत कम होता है। तकलीफें बहुत होती हैं, एंड उसके वक्त आपको ये सोचना पड़ता है कि भैया ये जो दी बेस्ट रास्ता क्या है वो निकाला जाए और वक्त पे निकाला जाए, क्योंकि भाई सबटाइटल में तो लिख नहीं सकते हैं कि ये वजह थी। मतलब मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए वो जो 300 लोग मेहनत कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस फिल्म को ज़रा और ख़राब करने के लिए या उस शॉट को ख़राब करने के लिए एक आदमी बहुत है। तो वो एक आदमी जो है, अगर एक मछली, हाँ कि भाई कार्तिक का हाथ ऐसे है और खून उस पर गिरना है, अब वो जो डाल रहा है उसने खून यहाँ गिरा दिया, तो वो शर्ट जो है अब वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। अब वो देखना पड़ेगा कि वो धुलेगी कब, या नया शर्ट है या नहीं है। तो कभी जो सोचते नहीं हम कि इसमें तकलीफ हो सकती है, वो तकलीफें जो है सेट पे। हमारा भी एक छोटा सा सीन था, उसमें कलर गिरना था कहीं कुछ। अरे बाप रे, कितना मुश्किल। अब वो देखने में तो इतना आसान लगता है कि ऊपर से कलर गिरा पेंटिंग पे, चार लोग खड़े हैं। अभी हमने ये सोचा ही नहीं था कि भाई अगर वो कलर गिरेगा तो कितना कलर लोगों पे उछलेगा, क्योंकि वो कभी उतना साइंस समझने की कोशिश नहीं की थी। और जो वही जो देख रहे थे, हाँ। उन्होंने भी जो है बोला कि ठीक से लगना चाहिए कलर, तो उन्होंने भी डब्बा बहुत ज़्यादा भर दिया और वहाँ से फेंका से जो कलर, फिर वो कैसे कैसे सबके कपड़े धुले, मतलब अभी वो जो साड़ी थी वो कहीं से मंगाई थी तृप्ति की, वो मतलब साड़ी दोबारा दूसरी मिलनी नहीं थी, और वो हो गई थी पूरी ख़राब, आगे से पूरा ब्लड, और उसके बाद का सीन बचा हुआ है। हम सब तो अब ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये हमने सोचा ही नहीं कभी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब कैसे करें, तो कैसे मुश्किल से सब किया है। अभी मुझे तनुज और बिलाल बता रहे थे क्या चिरकटिया कुछ कुछ कौन है ये टुकड़ा क्या, अरे बड़ा चिकरकंडी, हाँ ये कौन है भाई चिकरकंडी टाइप ना, ऐसे ऐसे शब्द क्या है ये, मतलब डायलॉग से नहीं लिखा था, बट जिस मासूमियत से संजय भैया ने बोला और जैसे राजपाल सबके रिएक्शन आए, तो मैंने बोला यार बहुत अच्छा है, ये यूज़ करना ही करना है। तो बहुत सीरियस सीन है, जहाँ सब मुझे बोल रहे थे अरे नहीं सर ये डायलॉग जो है रखेंगे ना तो ये बहुत सीरियसनेस चली जाती, मैंने बोला नहीं सीरियसनेस जाए, बट ये है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बोलते कौन है ये चिकरकंडी, तो राजपाल टर्न करता है कौन सा कंडी चिकरकंडी, तो वो कुछ अजीब वियर्ड है। तो पसंद करेगी ये, तो हमारा कैमरामैन और नीरज भाई हंस रहे हैं, पसंद करेगी ऑडियंस 100% ये ढाला सर। देखिए मैं इतना बताऊं कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि जो चीज़ मैंने मॉनिटर पे देखी है और मैंने इंजॉय की हो उसको लोगों ने इंजॉय ना किया हो, तो वो मुझे मेरा अपना तराजू मापदंड जो भी बोलिए, मैं भी ऐसा फील करता हूँ कि भाई मैं राइटर हूँ डायरेक्टर हूँ, बात की बात है मैं ऑडियंस हूँ, और मैं बहुत ही पक्का वाला ऑडियंस जिसको बोलते हैं मज़ा आना चाहिए वाले कैरेक्टर जो होते हैं, हाँ। तो मैं वैसे फिल्म देखता हूँ और वैसे ही मॉनिटर पे भी मैं रहता है, तो जहाँ मुझे मज़ा आता है वो लगता है हाँ ये वर्क बिल्कुल किया है, जहाँ मुझे इमोशनल फील होता है वहाँ मैंने देखा है कि बराबर लोग रोते हैं, तो ये एक जजमेंट ही होता है सर क्या है वर्क करेगा। ये ऐसे डायरेक्टर हैं, भूल भुलैया 2 में मुझे मैसेज आया इनका, बहुत सुपरहिट थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो इनका मैसेज आया था नीज बजमिया कहाँ से लाते हैं आप ये कढ़ी और ये पता नहीं क्या 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 क्या, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मतलब आपकी तरफ। देखिए क्या है, मुझे लगता है कि आप जिनको पसंद करते हैं जिनको प्यार करते हैं जो लोग उस लायक हैं, तो मैं तो सर कंजूसी तारीफ में करता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि फिल्म के लिए जो आधा परसेंट भी आदमी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उससे मुझे कुछ दिली प्यार हो जाता है, क्योंकि वो फिल्म के लिए हो रहा है, तो मुझे
वैसा ही एक्सट्रीम वहाँ है कि जो आधा पर्सन भी कुछ खराब हो रहा है तो मुझे अंदर से थोड़ा बड़ा गुस्सा आना शुरू होता है कि नहीं यार ये आदमी क्यों भाई। एक बार मुझ पे कब गुस्सा आया था? नहीं मुझे कभी नहीं आया। आप याद कीजिए हम कब से काम कर रहे हैं उसमें थे क्या नाम अपना वेलकम है आपके साथ मैं इंजॉय करता हूँ हंसता हूँ मज़ा आता है एंड लगता है चलो यार अभी आज शूटिंग खत्म हो गई अभी कल मजे और करेंगे तो वो आपके साथ मतलब आप प्यार करते हैं हमसे। मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको ईमानदारी बताऊँ मैं बहुत कम लोग हैं जिनकी मतलब इतनी इज्जत भी कर। कल अभी इंटरव्यू चल रहा था तो वो सब बात कर रहे थे एंड बात आई आपकी मैंने शायद पता नहीं 10 मिनट बोलता गया तो वो इंटरव्यू बोलता है इनसे आपका मतलब बहुत बायस है। मैंने बायस नहीं है भाई बाकी सब भी बहुत कमाल है लेकिन यार है इनमें तो मैं जो बोल रहा हूँ कुछ गलत तो बोल ही नहीं रहा हूँ।